मॉर्फोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट, जहां से आपका नीट में एक क्वेश्चन रूट सिस्टम से 100% डन होता है और दूसरा क्वेश्चन इसके स्टेम से आ सकता है या कभी कभी दो दो क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रूट सिस्टम, रूट कैसे हमारा फॉर्म होता है और क्या क्या चीजें यहाँ से डिराइव होके बनती है। रूट हमारे पास जो होता है एक प्राइमरी रूट होता है, दूसरा सेकेंडरी रूट, और इससे भी आगे अगर देखते हैं तो ये टर्शियरी रूट। अगर प्राइमरी रूट की बात करते हैं तो ये जैसे सीधा यहाँ से हमारा आर्थ के नीचे आया, ये आपका प्राइमरी रूट हो गया, और यहाँ से अगर कोई दूसरा पार्ट निकल रहा है ये इस टाइप के, तो इन्हें आप सेकेंडरी रूट, और यहाँ से भी अगर डिराइव होके ब्रांचेज निकलती हैं इसको आप क्या कह देते हैं, टर्शियरी रूट। तो ये बेसिक चीजें हैं जहाँ से, और ये ऐसा पेज है मुश्किल से 1.5 पेज का ये टॉपिक है, और एक क्वेश्चन नीट में 100% आपको यहाँ से मिलेगा, नीट में 100% एक क्वेश्चन इस पॉइंट से मिलेगा। अब यहाँ का जो इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी रूट क्या है, कैसे ग्रो करता है, रेडिकल से ये ड्राइव होके बना होता है और इसी के ग्रोथ से बनता है, और दूसरा टर्शियरी रूट। प्राइमरी रूट में कभी कभी ब्रांचेज ज्यादा आ जाती है जिनको आप कहते हैं फाइब्रस रूट कहते हैं, और ये आपका मोनोकोटिलेडोनस प्लांट में पाया जाएगा। और एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि टैप रूट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टैप रूट जो होता है बेसिकली मस्टर्ड प्लांट के अंदर पाया जाता है, और ये डायरेक्ट आपका आ सकता है एग्जाम में। कुछ रूट आपके डिराइव हो जाते हैं, जैसे बनियान ट्री के रूट्स हैं, उसके रूट को आप एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, और इसका मेन काम जो होता है रूट का सॉयल से मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है। इतने वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग टाइप के बना के आपके सामने आ सकता है। अब यहाँ एक लाइन में दे दिया है मोनोकोटिलेडोनस प्लांट, जो कि एनसीईआरटी में आपका इतना ही लिख दिया है। अब ये चीज एनसीईआरटी की लाइन से वो डिराइव कर देगा, कोई मोनोकोटिलेडोनस प्लांट को उठा के रख देगा और पूछ लेगा कि ये फाइब्रस रूट इसमें होता है, टैप रूट होता है, या किस टाइप का रूट होता है। तो ये पॉइंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नीट में देखते हैं तो इस रूट वाले सिस्टम से एक क्वेश्चन बनता है। अब इसके आगे रूट कैसे डेवलप हो रहा है, क्या है, कभी कभी ये फिगर भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एसेप्टिक कर देगा, ए बी सी डी कर देगा, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ये आपको दिखाया प्राइमरी रूट सीधा सीधा है और इसमें सेकेंडरी रूट ब्रांच है। अब इस ब्रांच के अंदर भी अगर ब्रांच हमने बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ रूट के रीजन दिखा दिए हैं, कैसे कैसे ये रीजन में होते हैं। तो इसमें कुछ एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट लाइन है, जैसे टैप रूट है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, और रीजन ऑफ स्मॉल वेली, और यहाँ पर थिन वाल दिया है। जो मेरिस्टेमेटिक होता है इसकी वाल थिन होती है, और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट में ये यहाँ से क्वेश्चन 100% बन सकता है, और ये अक्सर गलत हो जाए क्योंकि बहुत छोटी सी लाइन है और यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। इसके बाद अगर आप प्रॉक्सिमल रीजन पे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर एक जोन ऑफ इलांगेशन आता है, और जे जोन ऑफ मैचुरेशन, और रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो पार्ट है आपका, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से पूछा जाता है रूट हेयर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और रीजन ऑफ मैचुरेशन में ये क्या होगा, प्रेजेंट होता है। अब इसका मेन काम क्या होता है, रूट हेयर्स का मेन काम जो होता है वो सॉयल से मॉइस्चर मींस वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का मेन काम करता है। अब दूसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये दूसरा टॉपिक यहाँ पे होता है रूट से, जिससे क्वेश्चन बन सकता है 100%। पहले पेज से भी क्वेश्चन के आने के चांस वही उतने थे, और दूसरे से भी। ये दो पेज ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। रूट के मॉडिफिकेशन से क्या क्या फॉर्म होता है, यहाँ का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, रूट जो कुछ प्लांट के होते हैं, नॉर्मली सारे प्लांट के नहीं, कुछ प्लांट के रूट जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर मॉडिफाइड हो जाता है, और ये क्या है, फंक्शन एब्जॉर्बेशन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इनका काम मेन रहता है, कंडक्शन वाटर का करना, एब्जॉर्बेशन करना, ये सब, और सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब यहाँ पर देखिए दिया है कि एनसीईआरटी में क्या क्या मॉडिफिकेशन करके करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, पहला स्टोरेज करेंगे फूड का, और क्या करेंगे, रिस्पिरेशन करने में भी हेल्प करेंगे। तो बेसिकली हम सपोर्ट वाले कितने प्लांट में दे रहा है, दूसरा मॉडिफाइड होके ये क्या कर रहा है, रिस्पिरेशन कर रहा है, और रिस्पिरेशन वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है रेजोफोरा में हम देखते हैं, और दूसरा है आपका फूड स्टोरेज का काम कौन करता है। तो इनके एग्जाम्पल ही आपके नीट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और हर साल पूछा गया है। आप पिछले 10 साल का पेपर उठा के देखेंगे, एक ना एक क्वेश्चन यहां से आता है। 10 मिनट टोटल लगेगा ये पढ़ने में, और 10 मिनट में एक क्वेश्चन नीट का 100% डन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं टैप रूट, टैप रूट में कैरेट है, टर्निप है। अब एक एग्जाम्पल तो यही हो गया कि टैप रूट का एग्जाम्पल क्या है,
तो उसमें क्या जाता है, टर्निप, कैरेट और एडवेंटिशियस रूट में स्वीट पोटैटो। देखिएगा ये भी आपका सेकंड पॉइंट आ जाता है, एडवेंटिशियस रूट। डायरेक्ट एग्जाम आपको दे देगा एग्जामिनर कि एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल क्या है, स्वीट पोटैटो भी दे देगा, कैरेट भी दे देगा और टर्निप भी दे देगा। तो वहां पे आपको टिक क्या करना रहता है, स्वीट पोटैटो के लिए। ये एडवेंटिशियस सोयलन एंड स्टोर फूड। अब ये सब क्या करते हैं, सोयल करते हैं और फूड को स्टोर करते हैं। कैन यू गिव सम मोर सच एग्जांपल है, जैसे कि और इसमें दिया है। एंड दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला बनियान ट्री का है। और ये सबसे ज्यादा एग्जांपल पूछा जाता है, इसको आप कहते हैं प्रॉप रूट। क्या बोलेंगे हम, प्रॉप रूट इसको बोलेंगे। सिमिलरली ये स्टेम की तरह ही होता है और कुछ इसमें मेज जैसे, मेज में शुगर केन में भी सपोर्टिंग के लिए ये हेल्प करते हैं। अब मेज प्लांट जैसे हम देख रहे होते हैं, तो मेज में क्या होता है, रूट जहां से अर्थ से ऊपर उठा रहता है वहां पर उसके पास ऐसे ऐसे स्टेम के पास से रहता है, इसी को आप सपोर्ट करते हैं। ये एडवेंटिशियस के डेराइव्ड फॉर्म होते हैं। और दीज आर कॉल्ड द स्लिट रूट। अब इन्हें क्या कहेंगे आप, स्लिट रूट। जो एडवेंटिशियस रूट का एक एग्जांपल था ये बनियान ट्री में, इसको आप प्रॉप रूट कह रहे हैं। और स्लिट रूट जो शुगर केन में है, मेज में है, इन सब में नीचे से निकला रहता है, उसको आप क्या कह रहे हैं, स्लिट। और सम प्लांट, कुछ प्लांट जैसे राइजोफोरा। अब ये राइजोफोरा आपका जितना इतना पढ़ा है पूरा, उतना ही अकेला इंपॉर्टेंट है क्या, राइजोफोरा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइजोफोरा क्या होता है, ये भी एक तरह का इसमें रूट होता है जो ग्रो करता है कहां पे, सोयपी एरिया में, जैसे दलदल वाले प्लेस पे ये आपका रहेगा और वहां पर ये रूट ऊपर की तरफ निकला रहता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, निमेटोफोर कहते हैं। अब निमेटोफोर का मेन काम क्या होता है, वो अर्थ के ऊपर ऐसे निकल जाएगा और वहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा। अभी तक आपने रूट का मेन काम क्या देखा है, मिनरल और वाटर को गेन करना, लेकिन ये क्या करता है, ऑक्सीजन को गेन करता है, जो रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है इसका। नेक्स्ट, इसमें मॉडिफिकेशन में ये दो चीजें, थोड़ा सा फिगर इसका दिखाओ, ये अलग अलग का ये है। जैसे राइजोफोरा का ये प्लांट है और इसकी ये रूट है, ये ऊपर रहेंगे, यहाँ से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को गेन करेंगे और उसके बाद ये इसके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट एक ही है, पूरा रूट जितना इंपॉर्टेंट है उतना अकेला राइजोफोरा का निमेटोफोर इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, स्टेम। स्टेम भी आपका ज्यादा से ज्यादा डेढ़ पेज में है, चार पैराग्राफ में ये टॉपिक है। और नीट का यहां से भी अगर आप प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करें तो एक क्वेश्चन 100% क्या होता है, आता ही आता है यहां से। अब अगर हम देखते हैं कि रूट के बाद हम स्टेम, स्टेम किसका मॉडिफिकेशन होता है, कहां से बना होता है, इन सारे पॉइंट्स इसमें देखने होते हैं। दूसरा सेम चीज यहां भी हमारा, इसके मॉडिफिकेशन से क्या नया चीज बनता है, क्या क्या किस टाइप के पाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखनी होती है। तो ये जो डेवलप होता है, पहला क्वेश्चन जो स्टेम से आता है वो प्लूम्यूल से आता है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक फॉर्म होता है प्लूम्यूल का, जहां से ये डेवलप होता है। जैसे रूट आपका डेवलप होता है रेडिकल से, वैसे प्लूम्यूल से ही होता है। और स्टेम में बेसिकली नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें आपका और क्या प्रेजेंट होता है, लीफ प्रेजेंट होता है इसी के ऊपर, और नोड्स इंटर नोड्स पोर्शन में बिटवीन द टू नोड्स, या दो नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और इसके अब हम देखेंगे कि क्या क्या काम है, क्या क्या ये प्लांट को देता है और कैसे इसको हम हमारे नीट में यहाँ से क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसका मॉडिफिकेशन हम देखेंगे, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडिफिकेशन का। जैसे रूट में हमारा इंपॉर्टेंट था, वैसे यहाँ भी है, कभी कभी दोनों के पॉइंट को मर्ज कर देता है, जैसे मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन दे देता है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, उस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ से आ सकते हैं। तो ये ऑलवेज देखिए एनसीईआरटी की लाइन है, द स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे एक्सपेक्टेड टू बी, दे आर मॉडिफाइड द परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यहां भी अलग अलग फंक्शन के लिए होता है स्टेम ऑफ पोटैटो। अब ये देखिए, ये सीधा सीधा आपका नीट का क्वेश्चन है ये सारा।
इस अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल आपसे एग्जामिनर पूछेगा, अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद, कोलेस्किया एंड ये सब मॉडिफिकेशन किसके होते हैं, स्टेम के, जिसमें फूड का स्टोरेज करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कोई भी। अब देखिए इसमें से कोई रूट नहीं है, ये भी आ जाएगा कि रूट का मॉडिफिकेशन कौन है, स्वीट पोटैटो क्या था, रूट का मॉडिफिकेशन था, लेकिन पोटैटो क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। यहां से ये क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कंफ्यूजन वहां पे करते हैं। तो एक तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये फूड का स्टोर करते हैं, दे आर आल्सो द ऑर्गन्स ऑफ द प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन में भी आपके हेल्प करते हैं कि प्रोटेक्शन क्या करेंगे। तो प्रोटेक्शन के लिए इसमें क्या बना लेते हैं, अपने आप को टेंड्रिल्स और थ्रोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो टेंड्रिल्स किन प्लांट में ये डेवलप करते हैं, ये टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स पूछा जाएगा किस चीज का वो है, तो आप कहेंगे स्टेम का है। लेकिन सभी टेंड्रिल्स स्टेम के मॉडिफिकेशन के नहीं होते हैं, कुछ स्टेम के होते हैं और कुछ लीफ के मॉडिफिकेशन के होते हैं। तो यहाँ हम अभी देखेंगे क्या टेंड्रिल्स जो है स्टेम के कौन कौन से है। जैसे आपके पास है कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, इनके अंदर जो टेंड्रिल्स पाया जाएगा, जो ऐसे ऐसे स्पाइरल होता है और प्लांट के ऊपर चला जाता है, तो ये सब मॉडिफिकेशन होता है किसका, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनेगा। इसके अलावा जो भी आपको दिया रहेगा वो किसका रहेगा, लीफ का मॉडिफिकेशन रहेगा। जैसे लीफ के मॉडिफिकेशन में अगर आप देखते हैं क्योंकि वो कंफ्यूजन करता है, स्वीट पी में जो टेंड्रिल होता है वो किसका होता है, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, जबकि इनके जो टेंड्रिल्स होते हैं वो किसके, स्टेम के मॉडिफिकेशन से होते हैं। कुछ इसमें क्या है, एक्सिलरी बड्स, स्टेम गेट द मॉडिफाइड द ओडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थ्रोन। तो पहले ही मैंने बताया थ्रोन और टेंड्रिल में डेवलप होते हैं। तो थ्रोन किसमें होगा, उस प्लांट के भी कुछ नाम याद रखने होंगे, जैसे यहां पर दिया है सिट्रस, सिट्रस प्लांट जो है, सिट्रस आप जानते हैं, और बुगेनवेलिया, इन दोनों प्लांट के जो थ्रोन डेवलप है वो किसके हैं, स्टेम के मॉडिफिकेशन से बने। जबकि आप कैक्टस का देखेंगे वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है उसका थ्रोन। तो ये दोनों आपके जो एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। एंड प्रोटेक्टेड प्लांट द सम एनिमल्स से, कुछ ये जो रहेंगे उनको खाने आएंगे, तोड़ने आएंगे, तो कांटे रहेंगे, वो चुप जाएंगे, तो वहां से दूर रहेंगे। इसके बाद आपका आता है इसके स्टेम कुछ है जो फ्लैट हो जाते हैं, जैसे पुपिंसिया में, और कुछ के स्टेम क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ये सारे आपके नीट के क्वेश्चन है इस पेज के। फ्लैसी पूछ लेगा, फ्लैसी स्टेम किसका है, फ्लैसी सिलेंड्रिकल किसका है, यूफोरबिया का है, फ्लैटेड किसका है, पुपिंसिया का है, और कंटेन द क्लोरोफिल, कुछ इसमें क्या करते हैं, क्लोरोफिल को भी कंटेन करते हैं, ये अलग अलग स्टेम के स्ट्रक्चर दिए हैं, और कुछ इसमें क्लोरोफिल को कंटेन करेंगे, और जो भी क्लोरोफिल को कंटेन करेगा वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो मतलब आपको अगर एग्जाम में ये आ जाता है, क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीफ करता है, नहीं, स्टेम भी करेगा क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल है। अंडरग्राउंड स्टेम भी पाया जा रहा है, जैसे प्लांट में कुछ ग्रास में होते हैं, स्ट्रॉबेरी का है, जैसे ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ये दो क्वेश्चन फिर बन जाएगा आपका, ये कैसा है, अंडरग्राउंड स्टेम है। यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। शेयर द न्यू नीची ऑफ द ओल्डर प्लांट, डाई न्यू प्लांट फॉर्म एंड प्लांट मिंट एंड जैस्मिन, सिलेंड्रिकल लैटरल ब्रांच। अब ये दो और हैं जो कि इनके भी सिलेंडर लैटरल ब्रांच इसमें रहेंगे, अराइज टू द बेसिक ऑफ द एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एल्कली टाइम ऑफ द डाउनवर्ड टच ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, तो ये ग्राउंड पे आके फिर टच करके नया प्लांट भी ग्रो कराते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है स्टेम से रिलेटेड क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इसमें कुछ है एक्वाटिक जैसे पिस्टिया और एकॉर्निया, बनाना और पाइनएप्पल, ये सब एंड क्रेस्टिडियम, ये सब जो है ब्रांच के होते हैं, और इनका जो स्टेम होता है अंडरग्राउंड स्टेम होता है और शॉर्ट लीव होते हैं, कुछ ही टाइम में ये क्या होते हैं, डेड हो जाएंगे, जैसे एक सीजन या दो सीजन में, एक साल, दो साल, छह महीने में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये पूरा आपका स्टेम का पार्ट है। स्टेम और रूट जो डिस्कस किया, यहाँ से कम एक से दो क्वेश्चन नीट में आपके फिक्स होंगे, 10 मिनट आपको लगेगा ये पूरा पढ़ने में, और यहाँ से ये